नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनिंग में। अगर आप अभी तक आप सभी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपने टेरेस पे सब्जियों के लिए, फलों के लिए, जो भी हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं उसके लिए छत पे ग्रीन नेट कम से कम खर्चे में कैसे बनाएं, जो कि हमारे पौधों को धूप से भी बचाए और इसकी लागत भी कम से कम हो। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, मैंने अपने टेरेस पे ये ग्रीन नेट लगा रखा है बांस की मदद से। बांस की मदद से आप अगर अपने छत पे टेरेस गार्डन पे ग्रीन नेट को बनाएंगे, लगाएंगे, तो आप कम से कम खर्चे में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने पौधों को तेज़ धूप से बचा सकते हैं, जिससे कि अच्छी ग्रोथ होगी आपके पौधों की, आपके पौधे बहुत अच्छे चलेंगे और अच्छी फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग देंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये मेरे टेरेस पे मैंने बॉम्बूस लगा रखे हैं। इसे मैंने ये आता है एक मार्केट में, किसी भी हार्डवेयर की शॉप से आप ले सकते हैं। इसको लगा के मैंने इन्हें टाइट कर दिया है, आप देख सकते हैं ये हिल नहीं रहे हैं। इसे आप अपने छत के चारों कोनों पे, जहाँ भी आप अपने लगा रहे हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, ऐसे बाम्बूज लगा दीजिए बांस। इनको कटवा के जैसी भी पीसेज हों, जितनी हाइट पे आप लगाना चाहते हों, इनको लगा के और मजबूती के लिए इसे इस हुक से, पिन से आप टाइट करवा दीजिए, जिससे कि ये निकलेंगे नहीं और आपके पौधों को धूप से भी बचाएंगे। मैंने दोस्तों ये 75% का सेड नेट लगा रखा है। सेड नेट कई क्वालिटी के होते हैं और 50%, 75%, 90% धूप छान के नीचे करते हैं। आप देख सकते हैं इस समय दोपहर का टाइम है, करीब 12, 12:30 बज रहे हैं और मेरे पौधों पे धूप, डायरेक्ट धूप नहीं आ रही है, इस ग्रीन नेट की मदद से छन के धूप आ रही है, जो कि मेरे पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इस तरह दोस्तों आप बांस की मदद से ग्रीन नेट लगा सकते हैं। इसमें ध्यान देने वाली कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपका छत पे होने की वजह से हवा तेज होती है तो ये ग्रीन नेट उड़ता है और उड़ के फटने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कई जगह मेरा नेट फटा भी है। ये ठीक से ना बांधने की वजह से जब इसमें एयर हो जाता है और वो हवा तेज़ होती है और ग्रीन नेट उड़ता है तो ये बहुत हार्ड नहीं होता है, इस वजह से ये फटने लगता है। तो मैंने इसे देखिए बहुत ही अच्छे से टाइट करके बांस में बांधा हुआ है। अब इसमें हवा अंदर जाएगी भी तो उसको स्पेस नहीं मिलेगा कि मेरे नेट को वो फाड़ सके। देखिए आप लोग, इसे जितना टाइट हो सके उतना टाइट आप बांधिए ताकि इसमें स्पेस ना मिले उड़ने का एक्स्ट्रा हवा के चलने पे। तो दोस्तों इस तरह आप भी अपने छत पर, अपने टेरेस पे, बालकनी में ग्रीन नेट लगा सकते हैं। और मैं आपको करीब से अपना ग्रीन नेट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो 50% का आता है वो उसकी जालियाँ थोड़ी अधिक खुली होती हैं तो उसमें से धूप थोड़ी अधिक छन के आती है। क्योंकि मेरा थर्ड फ्लोर का है तो यहाँ धूप डायरेक्ट थोड़ी तेज़ होती है, इसलिए मैंने 75% का लगा रखा है। आप लोग 50% का भी लगा सकते हैं। और आप लोहे की भी उससे फ्रेम बनवा सकते हैं अपने टेरेस पे, बालकनी में, लेकिन लोहे का फ्रेम जो है थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। तो जो अभी नए गार्डनर हैं, जो इन्होंने स्टार्ट किया है या स्टार्ट कर रहे हैं, या जो पुराने भी हैं, वो बम्बू की मदद से, बांस की मदद से लगा सकते हैं। ये टिकाऊ भी है और सस्ता भी है और इसे आप जब चाहें खोल के शिफ्ट भी कर सकते हैं ऊपर। बांस को ये जूट की रस्सियों की मदद से देखिए बांधा गया है हर जगह जॉइंट पे, और इसे जब चाहें आप खोल सकते हैं, हटा सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के, बिना किसी मैकेनिक की मदद से आप खुद भी कर सकते हैं। और इसकी पूरी लागत आपको नेट के अलावा बांस, बांस की जो जो इसका डिज़ाइन है, जो स्ट्रक्चर है, उसकी लागत आपको मैक्सिमम 800 से 1000 रुपये के आसपास की आएगी। मेरी 850 रुपये आई है, 800 से 850 रुपये ये बांस मैं मार्केट से ले आया हूँ। और ये बड़े बड़े बांस थे जिसको मैंने काट के दो दो कर रखे हैं, और ये जो मैंने बीच में पार्टीशन दिया हुआ है ये सिंगल बांस है, आप देख सकते हैं। ये इसी को मैंने दो पार्ट में करके यहाँ खड़ा किया कोनों पे और इन्हीं में मैंने बांध के अपना नेट लगाया हुआ है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस मैं आपको इतना बताना चाहता था कि आप ज़्यादा पैसे मत खर्च कीजिए, कम पैसों में ग्रीन नेट अपने छतों पे लगाइए जिससे कि आपके पौधे धूप से बचे, मरे नहीं और आपको अच्छी पैदावार मिले। और जितना हो सके दोस्तों मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि वीडियो सभी के पास पहुँचे। धन्यवाद।